बाढ़ हमेशा तबाही और बर्बादी का मंजर लेकर आती है। धौलपुर में भी पिछले 4-5 दिन से चंबल नदी में बाढ़ आई हुई है। बुधवार को चंबल का जल स्तर 146.80 मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले 50 साल में सर्वाधिक है। अब चंबल धीरे धीरे उतर रही है, लेकिन अपनी तबाही के निशान गांव में छोड़ गई है। धौलपुर जंक्शन की टीम ऐसे ही एक चंबल के किनारे बसे बाढ़ प्रभावित गांव धनपाल की ढेर में पहुंची। यह गांव भैंसेना पंचायत में पड़ता है। गांव के कालीचरण ने बताया कि जब चंबल चढ़ रही थी तो वे अपने पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन जब चंबल उतर गई तो आए हैं। बाढ़ के कारण गांव में कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए, घरों में कई फुट तक कीचड़ जमा हो गया। घर में रखा अनाज, घरेलू सामान और पशुओं का चारा सब बर्बाद हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि इस बाढ़ ने उन्हें भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया है। एक ओर तो खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, तो दूसरी ओर घर में रखा अनाज भी नष्ट हो गया। यह बर्बादी की कहानी किसी एक गांव या एक घर की नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जो बाढ़ की चपेट में आ गया है। अब शासन और प्रशासन को ध्यान देना होगा कि इन बाढ़ पीड़ितों के आंसुओं को पहुंचा जाए। ये देखो, ये सारा फूट गया है।